उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं के आने जाने का दौर शुरू हो गया है। सूबे के नेताओं के दल बदलने का दौर जारी है तो बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बीजेपी के सीतापुर से विधायक राकेश राठौर को अपने खेमे में शामिल कर लिया, तो अब बीजेपी ने सपा के दो बार के विधायक सुभाष पासी को अपने पाले में कर लिया है। गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से दो बार के सपा विधायक सुभाष पासी ने मंगलवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मालूम हो कि इससे पहले सुभाष पासी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद सुभाष पासी ने कहा, बीजेपी के मूल्य सीएम योगी के काम और पीएम मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली है। सीएम योगी ने सूबे में अपराध पर लगाम लगाया और कानून व्यवस्था प्रदेश में बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि दलित समाज से आता हूं और अपने समाज के लिए काम करने के लिए ही बीजेपी में आया हूं। हमारे क्षेत्र की 8 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर हमारा प्रभाव है, जहां बीजेपी को पुरजोर तरीके से जिताने का काम करूंगा। सुभाष पासी ने आगे कहा कि सीएम योगी ने बुलाकर मुझसे बात की और विस्तार से क्षेत्र के काम और विकास को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि सपा के मुखिया ऐसा बोल जाते हैं जिससे स्वतंत्रता सेनानी का अपमान होता है। सुभाष पासी के आने से पार्टी मजबूत होगी, उनका स्वागत है। धनतेरस के शुभ अवसर पर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ पार्टी की सदस्यता ली है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।